पैराथायराइड ग्रंथि मसूर के दाने के आकार की होती है। यह छोटी छोटी ग्रंथियों का समूह है और ये पीले भूरे रंग की होती हैं। जिन कोशिकाओं से ये बनी होती हैं उसका वजन 0.05 से 0.3 ग्राम तक होता है। यह ग्रंथि शरीर में कैल्शियम के स्तर का संचालन करती है। जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है। जब कैल्शियम अधिक होता है तो ये उसे कम करने का कार्य करता है, जैसे पेशाब में कैल्शियम बहने से रोकना, पेशाब में फास्फोरस को बहने से रोकना। यह एक प्रकार का विटामिन डी बनाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल अस्थि से कैल्शियम रक्त में खींच लेता है। पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इस ग्रंथि से पैराथॉर्मन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिसका प्रमुख कार्य कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है। यह शरीर के मेम्ब्रेन पारगम्यता को बनाए रखता है। तंत्रिक पेशी एवं हृदय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीटीएस टेस्ट कैसे करते हैं? पीटीएस टेस्ट करने से पहले खाली पेट आने की आवश्यकता नहीं होती है। इस टेस्ट को और बड़े टेस्टों की तरह ही किया जाता है। इसको करने के लिए 2 से 3 ml सीरम या EDTA प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। अगर रक्त EDTA या SST ट्यूब में एकत्रित होता है तो सही समय पर उसे ट्यूब में प्लाज्मा या सीरम के रूप में रक्त की कोशिकाओं से अलग करना होता है और टेस्ट लगाया जाता है। इस टेस्ट को बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा लैब टेक्नीशियन करते हैं। सुबह सैंपल लेने पर उसी दिन शाम को रिपोर्ट मिल जाती है। अगर आप भी लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPMI से इस कोर्स को कर सकते हैं। DPMI पिछले 22 वर्षों से इस कोर्स में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहा है। थैंक यू तो इन्हें कहिए। थैंक यू। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।